हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? तो अ वेरी वार्म वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द न्यू बैच ऑफ क्लास 11th. जितने भी बच्चे अभी क्लास 10th को पार कर चुके हैं, एंड हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जो है वो कैंसिल हो गए थे, एंड उस वजह से आप लोग एग्जाम्स नहीं दे पाए हो. But at the end, you have to move on to the next class and you have to proceed your journey accordingly. So we have thought of starting with the new batch of class 11th, and specifically I'm responsible for your biology subject. So I'll be starting this batch very soon, and you need to know that आज का हमारा जो सेशन होएगा, दैट वुड बी द एंटायर इंट्रोडक्शन टू योर बायोलॉजी सिलेबस. ओके, तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट व्हाट इज योर बायोलॉजी सिलेबस, व्हाट यू विल बी स्टडिंग इन योर क्लास 11th, क्या आप एग्जैक्टली यहाँ पढ़ने वाले हो. तो 10वीं से लेकर जो 11वीं का सफर होता है वो कंपैरेटिवली आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया है, या बहुत वास्ट टॉपिक्स आपको लगेंगे, क्योंकि एक्चुअल में है भी. मतलब आपको थोड़ा सा इलोंगेटेड आपको सब्जेक्ट्स अपने मिलेंगे. बायोलॉजी एकदम अलग से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री अलग से, फिजिक्स अलग से, एंड सेम गोज विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. तो दैट इज द रीजन, बट एट द सेम टाइम मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ते हैं एंड वी पीपल आर हियर फॉर हेल्पिंग यू आउट. ओके, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है, उन सब चीज के लिए गाइड करने के लिए वी ऑल आर प्रेजेंट है. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. व्हेन वी पीपल आर हियर, यू कैन लीव एवरीथिंग ऑन अस. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, जो भी हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जिस भी तरीके से हम आपको पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, बस आप उसी तरह प्रोसीड करते जाइए एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम्स. ओके, तो पहले तो ये मुझे बता दो, कौन कौन हमारे चैनल पे नया आया है, एंड कौन कौन ऐसा बच्चा है जो पहली बार मुझे देख रहा है इस चैनल पे. हाँ, चलो फटाफट से मुझे बताएंगे. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हु ऑल आर हियर, एंड ऐसे कौन कौन से बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं. ओके, लेट्स सी. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट नो मी, तो आई एम तमसा त्यागी, बायोलॉजी एजुकेटर ऑन अनअकैडमी 11th 12th चैनल, एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी. तो बच्चों, मैंने अपनी मास्टर्स की है बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से, एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ओनली. सो इट हैज टू डू नथिंग विद द बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद. एंड आई हैव डन बोथ माय बैचलर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की है. आई हैव डन माय ऑनर्स कोर्स इन जूलॉजी सब्जेक्ट, and I have done my research from the AIIMS Delhi Institute from the biochemistry department only. And it's been like, now it's been 5 years, in fact I would say not more than four only, but now it will be 5 years that I'm teaching the CBSE and the NEET students. I have taught as an educator previously also on certain platforms. Then I was even teaching in the for the NEET and the CBSE in the offline centers previously. So all of these, and yeah, I've been in EdTech for like very long, since 2018 I'm in this entire EdTech industry. And previously I was even a PGP biology. I was responsible for the class 12th, 11th, 12th CBSE subjects, and I have even gone for the CBSE board checking. And so सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, आई वॉज एन इंटरनल एंड आई हैड हैंडल द लाइक सो मेनी बैचेस फॉर प्रैक्टिकल्स एट द सेम टाइम. सो ये जितने भी बच्चे नॉलेज है और जो ये सारा एक्सपीरियंस है मेरा, तो आई एम रियली श्योर दैट इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. तो सीबीएसई के लिए आप पूरा हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी आई वुड से you can rely upon me and I will take the charge of your CBSE board exam. और ऐसा नहीं है कि हम नीट को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, हम नीट की भी तैयारी साइड बाई साइड करते हैं.
ठीक है, तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आप बिल्कुल न्यू है हमारे चैनल पे, सबसे पहले तो आप एक बार जरा लाइक बटन जरूर दबा देना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके ऑल राइट, सो भूमिका इज न्यू हियर, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई हैव सीन दिस गर्ल प्रीवियसली ऑल्सो, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। ये बच्चे हमारा ऑफिशियल अनअकैडमी 11th 12th का टेलीग्राम चैनल है। जितने भी बच्चे 10th से भी 11th मूविंग है, ठीक है, मैं उन सभी बच्चों को ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ साथ जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी की मदद से जो है सारे जितने भी बच्चे होते हैं उनको इमिडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उनका कौन सा अगला लेक्चर आ रहा है, किस समय पर आ रहा है। सारे एडुकेटर्स अपने लेक्चर्स के लिंक जो है यूट्यूब लिंक्स वो वहां शेयर करते हैं, एंड नॉट जस्ट द यूट्यूब लिंक बट द अनअकैडमी ऐप लिंक्स आल्सो फॉर देयर स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस एंड एवरीथिंग। ओके, स्पेशल स्पेसिफिकली, एंड देन यू कैन आल्सो गेट द नोट्स, हाँ, पीडीएफ फॉर्म में, वो भी आप सबको यहीं पे मिलता है, तो इसीलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके चलिए, एंड अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें बच्चे, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ऑफर्स यू विद ऑल ऑफ दीज अमेजिंग फीचर्स, जैसे कि आपको यहाँ पर एक तो लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है। देखो यूट्यूब पे आप डेफिनेटली आते हो, पढ़ाई करते हो, एंड आपको लेक्चर्स पसंद भी आते हैं, वी नो दैट, ओके, बट एट द एंड आपको एक टेस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं है, है कि नहीं है, खुद बताओ आप लोग। हाँ, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव सर्टेन टेस्ट फॉर योर सेल्फ, देन जो हर क्लास के बाद एक आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाए, उसमें आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, जो कि रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, सो वट एवर क्लास हैज बीन टॉट टू यू इट विल बी गिवन इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, राइट। देन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो सिलेबस कवरेज होता है इट्स फार मोर एग्जॉस्टिव, यू कैन इवन सी बाय योर सेल्फ, ठीक है। और आपको देखो इसके अलावा आपको एडुकेटर्स की जो आपको इतनी ज्यादा मतलब वहाँ पे रेंज मिलती है, यू कैन गो फॉर एनी एडुकेटर हुएवर यू थिंक कि आपको उनसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक एडुकेटर से ही पढ़ना पड़ेगा, जिस एडुकेटर से आपको लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या आपको समझ में आता है, देखो अच्छा तो सभी पढ़ाते हैं, समझने के ऊपर होता है कि किसी किसी बच्चों को किसी एडुकेटर का समझ आता है, सो इट्स टोटली अपॉन द वे ऑफ लर्निंग, फाइन, सम पीपल प्रेफर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एंड दैट इज गिवन बाय ओनली अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडुकेटर, सो दैट इज योर पर्सनल चॉइस। देन यू हैव द बैच कोर्स हियर, सो यू गेट अ परफेक्ट बैच फॉर योर सेल्फ, आपको क्या मिलता है, आप अपने लिए एक बैच मिलता है, और आप रेगुलरली जब क्लास में आओगे तो आप इसी बैच के साथ पढ़ाई करोगे, सेम सेम स्टूडेंट्स मिलते हैं हर बार, ठीक है, एंड आपको लाइव क्लासेस के दौरान बीच बीच में इस तरह से आपको क्विज मिलती है, कोल्ड वॉर के फॉर्म में हो सकती है, क्विज के फॉर्म में हो सकती है, या फिर सेशन नॉर्मली थियरी सेशंस के बीच में भी आप देखोगे बहुत तरह के पोल्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं, ताकि आप मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके बीच में एकदम एमसीक्यू पॉपअप हो, ठीक है, तो वो एमसीक्यू ऑब्वियसली दैट इज लॉन्च बाय द एडुकेटर ओनली, तो दे विल गिव यू सर्टेन ऑप्शंस ए बी सी डी या जिस भी तरह का वो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है या जैसा भी है, फिर सारे बच्चे उसके आंसर करते हैं, एंड जितने टॉप के जो बच्चे आते हैं मतलब जो टॉप रैंकर्स होते हैं या जिन्होंने इमीडिएट आंसर दिया है, तो उन बच्चों के नाम लीडर बोर्ड पे आते हैं, तो उससे क्या होता है ना, मतलब योर लर्निंग बिकम्स वेरी फन वे इन अ मोर इंटरैक्टिव वे एंड इट बिकम्स रियली अमेजिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग गो एंड गेट योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, एंड Time10 कोड यूज करना मत भूलना, यू कैन एब्सोल्युटली गेट योर 10% ऑफ, एंड 10% डज मैटर्स, ठीक है, 10% बहुत होता है, तो आपको 10% अगर पूरा कम हो जाता है अपने पैकेज में, यू कैन पार्टी विद दैट, ओके, अदरवाइज यू कैन सेव इट टू बाय सम बुक और समथिंग लाइक दैट,
बच्चों ठीक है, तो ये देख लो, आपके पास ये इस तरह के प्लस के पैकेजेस रहते हैं फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, बट सिंस ये बैच क्लास 11 के लिए है तो आपको जो पैकेज मिलता है उसमें आपके पास क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का सिलेबस आपको मिलेगा एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम बोथ क्लास 11th एंड 12th एडुकेटर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चे, क्योंकि अभी आपका पूरा 2 साल का एक कंप्लीट जर्नी होने वाला है, यस और नो, क्लास 11th एंड क्लास 12th, तो 24 महीने अगर आप अपने वेस्ट नहीं करना चाहते और अगर आप अभी से बैंग ऑन तैयारी करने के लिए एकदम रेडी हो, तो गो फॉर दिस। इट इज हैविंग 24 मंथ्स का पैकेज एंड सी बच्चे, 24 मंथ्स में आपको टोटल ये पड़ रहा है कितने का, 25,000, सो दैट इज अराउंड 1,042 रुपीज अ मंथ। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ बच्चों, व्हाई आई एम फोकसिंग हियर इज बिकॉज वन थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपको यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस मिले। सेकेंड थिंग, अनअकैडमी हैज एक्चुअली प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर। कितने सारे बच्चों ने अपने एग्जाम की तैयारी सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी ऐप से की है, चाहे तो आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो, दे विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ मच इट इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। एंड 1,042 अ मंथ, जस्ट इन अ मंथ यू आर गेटिंग 1,000, यू आर हैव टू जस्ट पे 1,042 एंड दैट इज फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स। अब देखो, चाहे आप आपके कोई भाई बहन है या फिर आपके कोई दोस्त हैं जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से हैं या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, सेम चीज वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो मेरा TAM10 कोड है बच्चे, ये कोई भी यूज कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू हैव टू जस्ट यूज द कोड TAM10, दैट्स इट। एंड बच्चे द बेस्ट पार्ट इज, ये 25,000 में, सो यू आर जस्ट पेइंग 1,000 रुपीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। So if we talk about the PCB students, you are getting your physics, chemistry, biology, and at the same time English also. और अगर किसी पास additional maths भी है, तो आपको सारे के सारे subjects सिर्फ you have to only pay 1,000 rupees a month. Is it like that big deal for you? I don't think so. Okay, and why I am saying per month? Because you are also having the EMI option. So if you have the EMI option, you can pay monthly. That's it. आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल। देन 18 मंथ्स में 1,111, सो दैट इज 1,111। इस तरह से फिर आपका जो है ना, जिस जिस हिसाब से आपके मंथ्स आप कम रखते जाते हो, थोड़ा आपका प्राइस रिड्यूस होता रहता है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 24 मंथ्स के लिए जाओ, एक बार ही में लेके टेंशन खत्म करो, है ना? और इस पे देखो, ये भी आपको पूरा 25 भी नहीं पड़ रहा, इस पे भी आप देखो, आपको TAM10 यूज करके 10% ऑफ, दैट मींस 2,500 ऑलरेडी ऑफ। ओके, सो दिस मच यू आर सेविंग हियर, सो इट्स अ वेरी गुड डील फॉर यू पीपल। एंड आइकॉनिक इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु नीड अ पर्सनल कोच फॉर योर सेल्फ, ठीक है? पर्सनल कोच अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने लिए कोई ऐसा एक मेंटोर मिल जाए या ऐसा एक कोच मिल जाए जो आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है? तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट, दिस इज द आइकॉनिक फॉर बोथ। अगेन सेम चीज है, 11वीं कक्षा के बच्चे भी ले सकते हैं और 12वीं के भी ले सकते हैं, और यही सेम पैकेजेस हैं, ठीक है? और TAM10 कोड यहाँ भी यूज होगा। तो यहाँ पे जो भूलने वाली बात नहीं है वो है ये TAM10 कोड, बिकॉज यही कोड आपको 10% ऑफ दिलाएगा और इसी से आपको जो अपना पैकेज है उसमें 10% का रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है? एंड हमारे साथ जो जो जुड़ चुके हैं बच्चे, मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरा बताते रहिए, हाँ कौन कौन है हमारे साथ में, मुझे ये भी जरा बताते रहो, ठीक है? सो आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? तो हु ऑल आर एब्सोल्युटली न्यू स्टूडेंट्स ऑन माई वीडियो एंड टू आर चैनल? हाँ जी, चलो जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन एकदम नए नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे। तो दिस इज आस्क अ डाउट फीचर, अगर आप ये भी नहीं जानते हो तो इसके बारे में भी जरा जान लो। सबसे पहले तो आप ना अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो,
एंड उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरह से आस्क अ डाउट फीचर दिखाई देगा। हाय दिव्या, हाय चंदन, हाय नितिन, हर्ष, एवरीवन, हाय सोनू, महिमा, यू आर आल्सो न्यू स्टूडेंट, दैट्स नाइस। आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आर हियर। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द सब्सक्रिप्शन थिंग? या ठीक है बच्चे, इट इज बोरिंग, ओके, यू माइट फाइंड इट बोरिंग, but for those students who actually want to crack their exam, this is important for them, okay? ab jo bachcho ko sirf entertainment purpose ke liye classes mein aate hain, wo sirf youtube pe aate hain isliye ki bhai pata nahi kya entertainment chal raha hai yahan pe, so let me tell you this thing, these are the educational you know youtube channels, and yahan pe hum padhai karna hamara motive hai, aur padhai karana motive hai, aur padhai ke bare mein knowledge dena hamara motive hai. We are not the entertainers here, ठीक है? We are not gonna sing songs for you, fine. मैं तो personally कभी भी नहीं करूँगी ऐसा, ठीक है? मस्ती मजाक थोड़ा बहुत चलता है classes में, but main purpose is to crack the exams, okay? So I think you should also come with that kind of mindset. It would be better for you only. हाँ, चलो. And यहाँ पे आप देख सकते हो view solution का आपके पास option दिख रहा है, ठीक है? तो आपका जो भी डाउट आता है आप उसकी पिक्चर क्लिक करो, एंड क्लिक करने के बाद में इस तरह से आप जब पिक्चर को सेंड करते हो, ठीक है, तो आपको बस सब्जेक्ट चूज करना है कि वो मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है, और व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, ठीक है? देन न्यू बैच स्टार्ट्स फॉर सीबीएसई क्लास 11th, बच्चे ये वही चल रहा है, ठीक है? क्लास 11th का एक्सपोजर चल रहा है आप लोगों का, ऑलराइट। So this is for all those students who have just finished their class 10th exams. तो पहले तो चलो थोड़ी सी आप लोगों से इंट्रोडक्शन भी ले ली जाती है, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ आप बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, सो वी हैव दिव्या, नितिन, सौरभ, ऋतिक, महिमा, पर्ल एडुकेशन, ओके, चंदन, शिवा, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर, सॉरी। तो पहले तो आप लोग बताइए भाई, कैसा लग रहा है आपको कि आप लोगों ने क्लास 10th को स्किप कर दिया, हाँ, और सीधा आप लोग 11th में आ गए? हैव यू एवर थॉट कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है क्लास 10th में? 10th के क्या मार्क्स कैसे मिलेंगे वो बच्चे? आपके इंटरनल बेसिस पे मिलेंगे जो भी मिलेंगे, ठीक है? बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं होंगे आपके, हाँ, सो द मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग दैट इज ऑल ऑन द इंटरनल बेसिस। No, you are not feeling good about that. Okay. अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते थे, यही कह रहे हो? हाँ, you wanted to give your board exams? Yes? Exam होने चाहिए थे, okay. So Divya is also saying कि exam होने चाहिए थे, all right. और क्या बताना चाह रहे हो भाई? अच्छा ऋतिक, आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है? जस्ट लाइक आप, आई थिंक आप स्कूल्स में भी जब पढ़ते थे तो पहला दिन एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि मैं आते ही आपको सीधा लिविंग वर्ड पढ़ाना शुरू कर दूं, अभी पूरा साल में पढ़ेंगे, पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास, लेट इट बी इंट्रोडक्शन, ओके? क्या चलो, तो इसको तो हम इंट्रोडक्शन ही रखते हैं, फाइन। चलिए, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका जो बायोलॉजी का एग्जाम होता है बच्चा, दैट इज फॉर टोटल 100 मार्क्स, पूरा आपका 100 नंबर का बायो का एग्जाम होता है, ठीक है? यू हैव अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स का एग्जाम, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, ठीक है बच्चों? देन इस 100 मार्क्स के एग्जाम में 70 मार्क्स जो होते हैं बच्चे, दैट इज योर थियरी एग्जाम, जो आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओ। स्टूडेंट्स, कैन यू स्टिल हियर मी और इज देयर स्टिल सम प्रॉब्लम? कैन यू सी मी नाउ, या अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है भाई? तो जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। इट्स स्टिल बफरिंग, माय गॉड। Right, I'm trying to fix it. If it fixes, it would be good. Otherwise, then we have to take this class some other day. Now it's okay, right? All right, that's great. Chalo, thank God.
तो स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, हाँ जी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। तो बच्चों आपका जो यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजी की आपने अगर बुक खरीदी है क्लास 11th की, तो आप लोग देखोगे क्लास 11th की बुक में आपको एक तो सबसे पहली यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज, दूसरी क्या है बच्चे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। थर्ड वन इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ वन इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऑलराइट। सो ये आपकी पांच यूनिट्स रहेंगी, ओके। 70 मार्क्स से बफर हो रहा है, तो 70 मार्क्स में वापस से बता देती हूँ बच्चे, यू हैव दिस 70 मार्क्स का थियरी एग्जाम, ओके, एंड 30 मार्क्स इज फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, यू अंडरस्टैंड। 70 मार्क्स इज फॉर योर थियरी एग्जाम एंड 30 मार्क्स इज फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। सो दिस इज हाउ द मार्किंग स्कीम इज गिवन एंड दिस इज हाउ द डिस्टिंग्विश हैज बीन डन इन योर मार्क्स। ओवरऑल इट मेक्स अ 100 मार्क्स का पेपर, एंड सेम गोज विद योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, यहाँ पे भी यही होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 70 मार्क्स आपका थियरी रहता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, दोनों में सेम चीज है। देन द नेक्स्ट थिंग इज, जो आगे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं। सो आपकी जो सबसे पहली डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली यूनिट है, दिस इज फॉर 10 मार्क्स, कितने नंबर की है, 10 नंबर की है, ठीक है। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स की, ये आपकी 12 नंबर की यूनिट है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपकी 14 मार्क्स की यूनिट है, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो डिवीजन है दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम 2019 से लेके 2020 बैच का ये वाला फॉलो होता था, ठीक है, मार्किंग स्कीम। लेकिन 2020 से जो 21 का बैच रहा था, आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर एकदम से कोरोना वायरस आने की वजह से स्कूल्स बंद हो गए थे, एंड स्कूल्स बंद होने की वजह से इमीडिएटली क्या हुआ था, आपके सिलेबस का रिडक्शन हो गया था, और 30% जो है सिलेबस रिड्यूस हो गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला मार्किंग स्कीम फिर फॉलो नहीं हुआ था, तो मार्किंग स्कीम वॉज चेंज्ड। बट दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग, इनिशियली तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग के स्कूल्स खुल जाएंगे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बट अगेन दोबारा प्रॉब्लम्स चलने लगी हैं, ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग इज वेरी, यू नो, आप कह सकते हो सब कुछ अभी धुंधला है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि क्या आगे होने वाला है, कितनी जल्दी ये सारी चीजें सॉर्ट होंगी, या क्या आपके सिलेबस में इस बार भी रिडक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको पूरा इस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे कोई हमें भी नोटिफिकेशन मिलेगा, हम आपको अनअकैडमी के चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन देते हैं कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, किस तरह से कौन सी न्यू जो है सीबीएसई की गाइडलाइन आई है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सो दैट इज व्हाई दिस टाइम वी पर्सनली, मैं अपना अगर बताऊं तो बच्चे मैं आपको इस बार सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी सिलेबस को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, वी विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स। बस हाँ ये कर सकते हैं कि अगर मान लो सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया 30% या जो भी है, मतलब ठीक है, या आपका सेम वही पिछला वाला फॉर्मेट फॉलो होता है, तो हम पहले उस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, पहले हम उस सिलेबस को 70% जो भी आपका डिसाइडेड सिलेबस होगा उसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट ओवर 30% सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अभी नीट एग्जाम में काफी टाइम है, और हम नहीं चाहते कि आपका नीट एग्जाम के चक्कर में मतलब बेसिकली आपके सीबीएसई एग्जाम के वजह से आप नीट एग्जाम के लिए कोई भी चैप्टर छोड़ो, है ना। तो
इस तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं। आई ऑल अग्रीइंग विद द वे और डू यू वांट सम चेंजेस इन इट? कुछ कहना चाहते हो यहाँ पे तो कह सकते हो डेफिनेटली। हाँ जी, किसी की कोई राय? यहाँ तक सबको सही चल रहा है? ठीक है, आई यू ऑल अग्रीइंग विद द वे आई वांट टू टीच? डू यू वांट सम चेंजेस हियर? इज इट कूल? कूल विद एवरीवन? चले, ओके, दैट्स नाइस देन। तो आई थिंक यू ऑल वुड बी अग्री, या इट्स परफेक्ट? ओके, ग्रेट। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स हियर। सबसे पहले अब हम यहाँ यूनिट्स की बात करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट वी हैव हियर इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट्स नाइस मंजली। सो सबसे पहली यहाँ पे आपकी जो यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड इट हैज फोर चैप्टर्स इन इट। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर एंड यू विल लव यू नो व्हेन यू विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे अपनी क्लास 11th की। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें आप ये जानोगे कि एक्चुअल में लिविंग क्या होता है, हम किस चीज को लिविंग कहते हैं, और हम आपको ये भी पता चलेगा कि हम जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, और उसके लिए काफी सारे बेसिस होते हैं जिस बेसिस पे हम वो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने क्यों क्लासिफिकेशन की, ठीक है? देन जूम करना है, ऑल राइट, वी कैन जूम इट फॉर यू। नाउ इज इट विजिबल पीपल? ठीक है, अभी विजिबल है सबको ये? सो व्हाट इज लिविंग बायोडाइवर्सिटी, क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये सारी चीजें आप जानोगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ द स्पीशीज, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। तो हो सकता है आपको बहुत सारी टर्म्स अभी यहाँ नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है? इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अपनी पढ़ाई को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड के साथ में, ठीक है? देन देयर इज सम नोमेनक्लेचर वे वी विल स्टडी अबाउट दैट। वी विल स्टडी अबाउट सर्टेन कंजर्वेशनल मेथड्स लाइक जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स। फाइन, ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो देर इज दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इट हैज सेलियंट फीचर्स एंड बेसिकली इसके अंदर आपके पांच जो हैं किंगडम्स आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन यू ऑल्सो हैव सर्टेन अदर थिंग्स इन इट दैट इज लाइकेंस, वायरसेस, विरोइड्स, एंड देन यू हैव योर प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। ओके, सो दे मेक योर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइन, तो हम ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा सेकेंड चैप्टर होएगा। थर्ड चैप्टर में हम पूरा प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे हम। एंड इस प्लांट किंगडम के अंदर हम ये देखेंगे कि अलग अलग प्लांट के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कई सारी लाइफ साइकिल्स भी होती हैं। ये तो हो सकता है अभी आपको सब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर आपको शायद बोरिंग भी लग रहा होगा क्योंकि तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है? एकदम से क्लास 10th के बाद जब 11th में आते हैं ना बच्चा, उसको नहीं समझ में आता क्या मैम ने क्या बोल दिया। बट हम हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है? एक प्रॉपर तरीके से बीच बीच में मैं आपके क्विज भी रखूंगी, टेस्ट भी रखूंगी, है ना? हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे, ओके? या थैंक यू सो मच चंदन। देन एनिमल किंगडम में हम इस तरह से बच्चे पूरा एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल, ठीक है? तो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड एनिमल किंगडम इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स चैप्टर। अभी आपको बहुत सारी टर्म समझ भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप क्लास 9th को अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी। आपने क्लास 9th में भी ये चीजें पढ़ी हुई होंगी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ के आते हैं एंड वो फिर यहाँ पे आके इनको प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट
नहीं भी पढ़ा तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब पूरी क्लास 11th आप ऐसा समझना एकदम फ्रेश से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे आराम से। हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चा? कंप्यूटर साइंस का न्यू बैच, बच्चा आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। चलिए, द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो दैट इज अनदर सेकेंड यूनिट है ये बच्चे आपकी। इट्स ब्लर, दिव्या यू कैन डू वन थिंग, जस्ट इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ योर वीडियो, ठीक है, इट वोंट बी ब्लर एनी मोर। यू नो एक साइड में कोने पे देखो तीन डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, वहां पे जाके अपना यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द क्वालिटी एंड उसको वहां पे आप 144 से इंक्रीज करके अपना पिक्चर क्वालिटी हाई कर दो। फाइन, ये 11th की बात हो रही है रोहिल, क्योंकि 12th तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके, दिस इज फॉर 11th बैच। तो इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, तो इसमें हम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका आउटर अपीयरेंस को बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। आपको यहाँ पे बहुत सी अलग अलग टर्म्स जानने को मिलेंगी, तो यू विल रियली लव दिस चैप्टर। देन यू हैव दिस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इज बायोलॉजी इजी? देखो बच्चों, अगर आप रेगुलर रेगुलरली पढ़ते हो तो आपको इजी तो लगेगी, ठीक है, पर अगर आप डेली डेली नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ क्लास में तो समझ आ गया लेकिन हम तो सिर्फ एग्जाम वाले दिन किताब को खोलेंगे, तब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके फाइन, चलिए, दैट्स नाइस। देन इसमें आपका लास्ट चैप्टर आता है इस वाली यूनिट में, इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आप एनिमल टिश्यूज के बारे में जानोगे, तो आई थिंक आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि कौन कौन सी एनिमल टिश्यूज होती हैं। यू हैव दी मसल टिश्यू, है ना, नर्वस टिश्यू, देन यू ऑल्सो हैव योर एपिथीलियल टिश्यू, देन यू हैव योर ग्लैंडुलर टिश्यू। तो आप ये सारी टिश्यू को पढ़ोगे, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला भी पढ़ोगे मंजली, वो आप अपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे, यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है। देन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको तीन एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है इस चैप्टर में, ठीक है, लेकिन आपके कई बार जो होता है सिलेबस रिडक्शन हो जाता है एंड वहां पे सिर्फ कॉकरोच को पढ़ाया जाता है, ठीक है, बट हम यही ट्राई करेंगे कि हम नीट एग्जाम के हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करें ताकि आपको नीट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हो सकता है हम थोड़ा सा सीबीएसई से वास्ट भी चले जाएं या सिलेबस को थोड़ा ज्यादा भी पढ़ ले, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को नीट एग्जाम भी देना है। फाइन, ऑल राइट। देन द यूनिट थर्ड इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आप लोग पढ़ोगे सेल विच इज द यूनिट ऑफ लाइफ, देन आप यहाँ सेल थियरी के बारे में पढ़ोगे, सेल किसने बेसिकली सबसे पहले सेल को खोजा, है ना, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन क्या होते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तसल्ली से पढ़ेंगे, पूरा सेल को अच्छे से समझेंगे। सेल आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, बट यहाँ जो पढ़ोगे यहाँ आपको काफी वास्ट चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट द टॉपिक हैज बीन इलैबोरेटेड अ बिट मोर। ओके, देन सेल में आपका सेल वाली जो यूनिट है इसमें एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक हो सकता है आपके लिए एकदम नया है, हो क्या सकता है एकदम ही नया है, क्योंकि आपने शायद इन के बारे में नहीं पढ़ा पहले कभी, पर नई चीजें पढ़ोगे, मतलब आप बचपन व्हेन यू आर लाइक बॉर्न, पैदा होते ही तो आपको एबीसीडी नहीं आता ना,
ये भी तो आप सीखते हो ना जिंदगी में, आपको ये तो नहीं पता होता कि ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये पिंक कलर है, ये आप सीखते हो ना जिंदगी में, तो सीखने से कभी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। नई नई चीजें आती रहेंगी, अभी तो आप 11th में आए हो, फिर 11th 12th क्रॉस करके फिर कॉलेज में जाओगे, फिर वहां पे और नई चीजें आएंगी, तो नई नई चीजें तो अब लाइफ में आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप सबको वही पुराना पुराना पढ़ाया जाएगा, फिर क्या फायदा क्या हुआ नई क्लास में जाने का, ठीक है। बट घबराने वाली कुछ भी बात नहीं है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एंड एक्चुअली दिस चैप्टर इज लाइक माई स्पेसिफिकेशन, ओके, सो वी विल क्लियर इट वेरी नाइसली। आप भी अटेंड करोगे? ओके, जरूर करना, ठीक है, बिकॉज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में यही सब पढ़ते हैं, तो आर बायोकेमिस्ट्री मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट्स विद दिस, बट इट इज लाइक ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, बायो मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो इनका हमारा पूरा पूरा एक बुक रहता है, तो दैट्स द थिंग। आपका यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर के अंदर टॉपिक है, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी टॉपिक का एक पूरा पूरा किताब पढ़ते हैं, तो दैट्स द डिफरेंस। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है बच्चे, आप अपना वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लो, मैं सबको बोल रही हूँ जिसको भी पिक्चर ब्लर्ड दिख रही है, अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन को बढ़ा लो, ठीक है, वीडियो के रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा लो, आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगी, और मैंने जूम भी कर दिया वापस से, ठीक है। सो देन द लास्ट चैप्टर दैट यू हैव हियर इज दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो अब आपका यहाँ पे अगला होएगा सेल साइकिल, ठीक है, एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आर अगेन न्यू थिंग्स फॉर यू पीपल, माइटोसिस आता है, मियोसिस होता है, सेल साइकिल होती है, ये मैं आपको चैप्टर के दौरान बताऊंगी, अभी बताने का कोई फायदा नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। 12th तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया एग्जाम। हाँ जी बच्चे, क्लासेस, ये वाली जो क्लासेस का मैं बता रही हूँ, ये आपकी यूट्यूब क्लासेस के बारे में मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। और जो आपका प्लस पे कोर्स होएगा, ठीक है, उसकी क्लासेस अलग चलेंगी प्लस वाले बच्चों के लिए, ओके, उसके लिए मैं आपको प्लस में ही बताऊंगी, फॉर दैट यू नीड टू हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। So that's the difference, that's it. Then the next thing you have here is the plant physiology, and plant physiology is really really amazing, but yet बहुत बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, और कई बच्चों को पसंद नहीं होता है, बोलते हैं मैम प्लांट्स में क्या ही पढ़े, मैम समझ नहीं आ रहा है, ये जो भी है, ठीक है, बट ये बहुत आसान होता है, इजिली क्रैक कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, दिमाग वाले कंसेप्ट्स हैं, दैट्स इट। सो इफ यू आर रेडी टू पुट योर ब्रेन्स इन बायोलॉजी नाउ रादर देन क्रैमिंग, मतलब आपको बायोलॉजी को समझ के पढ़ना होगा, रट के नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि रटने वालों का यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू हैव, हां जी बच्चे, नीड क्या, नीड यूजी पोस्टपोन हुए हैं बच्चे, कैंसल तो नहीं हुए अमृता अमिर्था, ओके, एंड अभी कैंसल तो होंगे भी नहीं, फाइन। चलिए मिनरल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका आता है एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देन डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, तो अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स हियर, तो ये चैप्टर में आपका मिनरल न्यूट्रिशन आएगा। हाँ जी, पोस्टपोन हुए हैं बच्चे, कैंसल नहीं हुए हैं, एंड देन यू हैव दिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, एंड कैंसिल करके मतलब क्या होगा, कैंसिल करने का तो कोई चांस ही नहीं है, एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो होपफुली देखो, जस्ट प्रे कि एवरीथिंग गेट्स बेटर एंड यू पीपल गेट इनटू योर यू नो रेगुलर एंड द नेक्स्ट पाथ ऑफ योर लाइफ, ओके। हाँ, ये मत सोचो कि कैंसल हो जाए या बच जाए, कितना बचोगे भाई, कितना बचोगे, कितना कैंसल करा लोगे, मतलब आप ये सोचो ना कि नीट की सीटी कितनी होती है, और लाखों बच्चे उसके लिए जो है बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, सो हाउ विल द सीट्स बी गिवन टू देम, ऑन व्हाट बेसिस, देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। चलिए, सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में देखो बच्चों, मैं ज्यादा आपको नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आप पहले दिन घबरा जाओगे कि मैम ये सब क्या क्या पढ़ना है,
तो आपको बस मैं छोटा छोटा बता देती हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है. देन यू हैव रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देन यू हैव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, फाइन. तो इतना आप लोग समझ लो, दैट्स इट. एंड बाकी जब क्लासेस हमारी शुरू होंगी, हम आपको बहुत अच्छे से समझाई देंगे वहां पे हर एक चैप्टर. ओके एवरीवन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो बहुत सारे बच्चों को ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत पसंद होती है, एंड स्पेसिफिकली जिनके नीट, मतलब ऐसे है ना कि नीट ही उनका सपना है, नीट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको ये सब्जेक्ट्स तो बहुत ही पसंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा ह्यूमन की बॉडी के बारे में. ह्यूमन बॉडी, द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. किस किस को इंटरेस्ट आता है ये सब पढ़ने में? हाय शारद, वेलकम बच्चा. ट्वेल्थ स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्वेल्थ बच्चे अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिया था. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्वेल्थ क्लासेस. हाँ, 5 PM 5 बजे की क्लासेस होती हैं, एंड जो भी आपने क्लास मिस कर दी है आप जाके उसका प्लेलिस्ट चेक कर लो. ठीक है, न्यू बैच 2021 की क्लासेस स्टार्ट हुई है, एंड दिस फर्स्ट चैप्टर दैट वी स्टार्टेड विद वाज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके फाइन, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, नहीं मिलेंगी तो मुझे बता देना. गुड इवनिंग शेव, गुड इवनिंग. यू अंडरस्टैंड? अच्छा, मुझे बताया नहीं किसी ने किस किस बच्चों को ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना पसंद है. डू यू लाइक स्टडिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द हॉर्मोन ऑफ द ह्यूमन, या डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, लंग्स में क्या हो रहा है, कौन सी बीमारियां चल रही हैं, हार्ट कैसे सर्कुलेशन करता है, कैसे पंपिंग होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हॉर्मोनल ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू लाइक इट. हाँ, सो ये तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो सबका ही फेवरेट होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम प्लांट फिजियोलॉजी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को खत्म कर देंगे. ठीक है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. हाँ आई नो दैट, दैट्स मोर इंटरेस्टिंग, दैट्स इट. तो इंटरेस्टिंग चीजों को पहले खत्म कर लेंगे, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, हाँ चलिए. ओके, तो या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में. जो आप लोग क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ के आए हो ना, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ के आए हैं सब बच्चे, वहां पे आपने छोटा 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 सारे टॉपिक पढ़े हैं, है ना. बट नाउ यू विल बी स्टडिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन डिटेल. हाँ, आज का लेक्चर बस खत्म हो रहा है थोड़ी देर में. ठीक है, 5-10 मिनट्स में वी आर रैपिंग इट अप दिव्या. ओके, देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझोगे, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स हियर. बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ोगे, मजा आएगा आपको एक्चुअली पढ़ने में. तो इफ यू लाइक लर्निंग, इफ यू लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, यू विल लिटरली लव द एंटायर बायोलॉजी. ओके, यू विल फॉल इन लव विद बायोलॉजी. फाइन, यू जस्ट हैव टू यू नो गो थ्रू द फ्लो, बट विथ ऑल ऑफ योर हार्ट इन इट. दिल से पढ़ाई करोगे सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, यू विल योर सेल्फ फॉल इन लव विद बायोलॉजी. बट अगर मतलब ऐसे पढ़ रहे हो कि यार पढ़ना है, एग्जाम है, ये सब करोगे तो भाई आपको हमेशा स्ट्रेस ही देगा ये सारी चीजें. यस, ओके, दैट्स नाइस. देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप पूरा अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पूरा हार्ट का एनाटॉमी, कैसे हार्ट पंपिंग करता है, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट के. हाँ, आप यहाँ पे काफी सारे डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ाई करोगे. ओके, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास फॉर बायोलॉजी? ऑलराइट, देखो बच्चों, एक्चुअली द थिंग इज कि आप लोग मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैम हमारी क्लासेस स्टार्ट कर दो, बट द प्रॉब्लम इज दैट द एंटायर चैनल, यू नो ऑल द एडुकेटर्स हैव प्लान्ड, लाइक वी ऑल हैव टू स्टार्ट इट टुगेदर. ओके, सो देयर इज दिस प्लान दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर यू पीपल इन वन गो, दैट इज फ्रॉम 10th of May. 10 मई से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बट एकदम से 10th मई से मैं आपको, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगी, और वहां पे जो मेरा टाइम होएगा, टाइम स्लॉट होएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करने वाली. ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा
थोड़े टाइम तक इस चैनल पे बने रहो, हैव द हैबिट ऑफ दिस चैनल एंड वी विल गिव यू द टाइम स्लॉट्स। एक बार मैंने आपको ये वाला टाइम स्लॉट दे दिया, ठीक है, ये हम आपको बस एक दो दिन के अंदर अंदर बताने वाले हैं क्या टाइम स्लॉट्स फिक्स टाइम स्लॉट्स हैं। आई विल ब्रिंग अ ह्यूज सेशन फॉर दैट एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग देयर। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आगे तक की, सब कुछ फिक्स्ड हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, हमें कोई आइडिया नहीं था कि 10th के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, एंड जस्ट लाइक यू पीपल आर कंफ्यूज्ड नाउ, वी पीपल आल्सो हैव टू एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो ऑन आवर पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ दैट, बस थोड़ा सा आप लोगों को कॉपरेट हमारे साथ करना पड़ेगा एंड उसके बाद एवरीथिंग वुड बी स्मूथ, ओके। तो इसीलिए मैंने ये शुरू का जो समय है ये हफ्ता, मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी कि भाई क्या बायोलॉजी में है एंड थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। सो आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ, आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइन। और फिर जब हमारे एक्चुअल में बैच शुरू हो जाएगा तब मैं सीधा आपको पढ़ाना शुरू करूंगी, फिर देन डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको फिर से इंट्रोडक्शन दूंगी। इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस आप अभी से अटेंड कर, ठीक है, ओके। All right, that's nice, Vidhan. You're appearing in 2021. जल्दी से करा दूं। वो बच्चे देखो, ये न्यू बैच की क्लास है विधान, ठीक है। अगर आप पुराने बैच की ये तैयारी करना चाहते हो तो हम उसके लिए रिवीजन बैचेस लेके आए हुए हैं, ओके। रिवीजन बैचेस आर देयर फॉर यू। द विजेता सीरीज इज रनिंग एंड देन माय रिवीजन बैच इज रनिंग फॉर दैट, यू कैन ऑलवेज गो विद देम। बट नए बैच को तो बच्चा नए बैच की तरह पढ़ाएंगे ना हम, चलिए ठीक है। तो 2022 वाले भी चिंता मत, 2021 वाले भी चिंता मत करो, 2022 वालों को तो हमने नया सिरे से हमें पढ़ाना ही है उन्हें, ठीक है। 21 वाले भी चिंता मत करो बच्चों, आपकी रिवीजन चल रही है, ठीक है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यहाँ पे हम पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। We will be learning entirely about the excretory system. Thank you so much, Achal. Thank you so much, Bacha. All right. And then we have this chapter that is locomotion and movement. So, locomotion and movement mein actually hum padhenge aapki jitni bhi body ke andar bones hoti hain, alag alag type ki muscles hoti hain, theek hai, ye sari cheeze hum yahan padhne wale hain. Sabse zyada aapko bones padhna padega, yahan pe muscles padhni hoengi, ठीक है, वो किस तरह हमारी बॉडी के लोकोमोशन में इन्वॉल्व होती है। देन वी विल स्टडी अबाउट योर ब्रेन, द न्यूरल सिस्टम, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड वी विल बी ऑल्सो स्टडीइंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड द ईयर, ओके। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू study. So we basically will be studying about the two sensory organs, eye and the ear. Fine. Then बच्चे chemical coordination and integration, ये आपके chapter के अंदर हम जितने आपके body के अंदर ऐसे organs होते हैं जो hormones produce करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So basically it is entirely about the hormonal system of the body. ये वाला chapter पूरा आपका बताएगा हॉर्मोनल सिस्टम ऑफ द बॉडी, फाइन। तो ये बच्चे आपका सारा सिलेबस रहेगा एंड आई रियली होप कि आपको अभी थोड़ा सा इनसाइट्स मिल गया है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है एंड कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना बच्चे जाते जाते कि आपको ये तरीका पसंद आया है नहीं, या आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपकी पर्सनल कोई मतलब आपका यहाँ पर इनपुट है आप दे सकते हो। अदरवाइज दिस वे वी नीड टू प्रोसीड एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक, ओके। या चलिए, ग्रेट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल। एंड यस, यू कैन आल्सो गेट योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस एज सून एज पॉसिबल। जैसा कि मैंने कहा 24 मंथ्स का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके रख लो ताकि 2 साल तक की आपको कोई टेंशन नहीं है, यू हैव द एंटायर स्टडी मटीरियल एंड द क्लासेस विद यू, ओके। एंड इसमें TAM10 कोड यूज करना मत भूलना, बिकॉज TAM10 कोड विल बी हेल्पिंग यू टू गेट द व्हाट एक्स्ट्रा 10% ऑफ योर ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ओके। यू लव दिस वे, दैट्स फाइन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रॉब्लम है बच्चे, मैंने बहुत बार वो चैप्टर पढ़ाया है। इनफैक्ट आज भी मैंने सुबह की 11 बजे क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया है,
ठीक है, आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लो, आपको पूरे अनअकैडमी के 11-12 चैनल पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। फाइन बच्चे, और आज ही सुबह सुबह मैंने कराया, ठीक है। वी हैव स्टडीड दिस रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अभी रिसेंटली, ओनली इन द न्यू बैच में भी हमने खत्म कर दिया। न्यू बैच में, ठीक है, हमने न्यू बैच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर तक खत्म कर दिया। सो योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स आर फिनिश्ड देयर। ओके, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच देम। So, all right, students, that was all, and it's time to wind up the session now. So, hope you all are excited to start our new way of teaching and our new way of learning. And this is how we are going to proceed. And meanwhile, you people can also like the session if you really liked it by heart. And students, अपने जो भी आपके friends हैं, दोस्त हैं, उनको बताना मत भूलना। उनको भी बताओ कि भाई यहाँ classes start हो रही हैं। एंड देखो बच्चे, जोरों शोरों से क्लासेस की यहाँ पर जो है तैयारियां चल रही हैं, एंड आपको एग्जाम तक ले जाने की और क्रैक कराने की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से मदद मिले। एंड वी आर नॉट लीविंग एनी बैच राइट नाउ। हमने किसी को अकेला नहीं छोड़ा है। 2021, 2022, 2023, सबके सब तीनों बैचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग हार्ड कि हर तरह की सिचुएशन को हम मिलके फेस कर पाए। तो आप लोग की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है। सबसे पहले तो आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, एंड दूसरी चीज आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जिससे आप भाग नहीं सकते हो वो आपको अपना डेली रूटीन बना लेना चाहिए। एंड तीसरी चीज, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। That was all for today, and goodbye. Take care. We'll see you in the upcoming sessions. Goodbye, everyone.